मौलाना अब्दुल मोमिन, मैंने तो उनको वसीयत की थी बाकायदा मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने बैठकर कि भैया किसी तरह भी कोशिश करना, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन नमाज पढ़ाना अगर ज़करिया भाई नमाज पढ़ाने के हाल में ना हो, और तुम ही कब्र में उतार देना। अल्लाह की मर्ज़ी कि वो पहले चले गए और मैं रह गया। मौलाना अब्दुल मोमिन जब हज़रत जी के पास पहुँचे, और मैंने उनका पहले से तारुफ़ कराया था, जब पहुँचे उन्हें तारुफ़ कराया, तो उसके बाद दो तीन चार दिन की सोहबत के बाद फरमाया हज़रत ने मुझसे तन्हाई में बड़ा कीमती तोहफ़ा लाया, बड़ा कीमती तोहफ़ा लाया। ये एक साहिब दिल साहिब नज़र की गवाही है। मसलहत अल्लाह की कि जाना मुझे पहले था, मैंने तो उनको वसीयत की थी बाकायदा मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने बैठकर कि भैया किसी तरह भी कोशिश करना, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन नमाज पढ़ाना अगर ज़करिया भाई नमाज पढ़ाने के हाल में ना हो, और तुम ही कब्र में उतार देना। अल्लाह की मर्ज़ी कि वो पहले चले गए और मैं रह गया।